तो मेरा नाम डॉक्टर काशा मलिक है, होम एडी चैनल के साथ आपके लिए फिर एक प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ, माई हेल्थ माई लाइफ। एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी है वो ये लगी है डॉक्टर्स और नर्सेज की कि व्हाट हायर एम कैन मैन अटेन देन द कॉन्क्वेस्ट ओवर ह्यूमन पेन। हम डॉक्टर्स, हम नर्सेज, हमारा बेसिकली काम जो हमारा फोकस है वो हमारा पेशेंट है, उसकी खुशी, उसकी खुशनुदी, उसकी सेहत, उसका इम्प्रूवमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम सबको बड़े आराम से मिलती है और बहुत दिल से मिलती है वो है दुआ, और यही दुआ हम सबको लेके चल रही है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं माशाल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल में हूँ एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी काम करता हूँ। नर्सिंग डिपार्टमेंट से मैं बहुत अरसे से एफिलिएटेड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माशाल्लाह जिस तरह से वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, एक दूसरे की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं आप यकीन जाने हम लोग अकेले कुछ नहीं हैं। अगर नर्सिंग ना हो तो डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, अगर डॉक्टर्स ना हो तो नर्सेज बहुत परेशान हो जाएंगे, तो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी इनएविटेबल जो कि हमें हेल्प करता है। तो इस सिलसिले में आज मैं आपकी मुलाकात हमारे बहुत अच्छे, बहुत ही केयरिंग, स्वीट, और मुझे लगता है कि नर्स को ऐसे ही होना चाहिए, वेरी वेरी कंपैशनेट, एट द सेम टाइम वेरी वेरी पेशेंट, और सबसे बड़ी बात है प्रोफेशनल। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मिस्टर अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई शो। और आप आएँ और मैं आपकी सबसे ज़्यादा वैसे परसेंटेज तो इम्प्रेस हुई, लेकिन आपने डाओ से किया है माशाल्लाह, डाओ मेरा भी कॉलेज है, तो डाओ की तो क्या बात है, डाओ इज वाओ। तो सर अमानुल्लाह माशाल्लाह हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर, और माशाल्लाह ये एक नया सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया है, हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, और हम स्टार्ट करते हैं सर अमानुल्लाह से। तो अमानुल्लाह साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने बिजी शेड्यूल में से आए, ये अपना कुछ काम प्रिपेयर कर रहे थे, मैंने रिक्वेस्ट की इनको कि सर मुझे 10-15 मिनट देते हैं, एंड वो सो स्वीट कि फ़ौरन आ गए, और हालांकि 10 मिनट से ज़्यादा ही लग गया, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया। तो अमानुल्लाह साहब, आप एक नया सिलसिला आपने स्टार्ट किया है आपके अंडर, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल सोनम स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में पहले नहीं हुआ था, तो उसके बारे में हमें बताइए, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा सिलसिला स्टार्ट हुआ है। जी फरमाइए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शो में बुलाया एचडी होम में, और सबसे पहले जब मैं आया तो सर आमिर ने भी उसके साथ भी डिस्कशन हुई थी, तो हमने ये सोचा था कि क्यों ना हम एजुकेशन, जो नर्सेज एजुकेशन उनको एनहांस करें और उनके स्किल को इम्प्रूव करें, और डेली बेसिस पे एक सेशन रखें जिसमें हम कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन करें, ताकि उनसे जितने भी हमारे आरएन से उनकी स्किल इम्प्रूव हो जाए और उनकी एजुकेशन एनहांस हो जाए। एक्चुअली इशू ये होता है हमारे नर्सेज में, लोग एजुकेशन में आगे इम्प्रूवमेंट नहीं करते, वो स्टे कर देते हैं एक जगह पे। मुझे लगता है एक रिवीजन भी हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, मैं रोज या हफ्ते में एक दफा तो रिवीजन की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर कि आप थ्योरी आपकी रिकॉल हो जाती है, आपकी स्किल रिकॉल हो जाती है। मैं जानता हूं आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज की, आप लोग सब आते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक और एक दूसरे से मिल के बात करते हैं कम्युनिकेशन पे। और सर एजुकेशन ऐसा है कि ये हर इंसान को इम्प्रूवमेंट की नीड होती है हर एंगल पे, तो हमारी कोशिश होती है कि न्यू रिसर्च आ जाए, वो हम अपने आरएन से शेयर करें, तो इसकी वजह से हम शेयरिंग कर सकते हैं। ये हमने एक हर थर्सडे को एक नॉमिनेट किया इसके लिए कि हर थर्सडे को हम सीएनई करवाएंगे, और इसी में अपने सारे आरएनस को, इवन अगर डॉक्टर भी आना चाह रहे तो उसमें हम ट्रेन करवाएंगे। लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की और कोई पेशेंट के साथ एरर आया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे आप बाद में एविडेंस दे लेकिन आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप एरर कर रहे हैं। तो इसके हवाले से हमने बाकायदा गाइडलाइन दी। सीएनई में मैंने भी आपके साथ अटेंड किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें हम डॉक्टर्स का भी डिवीजन हो जाता है और आपका तो होता ही होता है। तो थोड़ा सा बताइए, आपको मुर्शिद आपने ज्वाइन कब किया और आपको क्या इंप्रेशन है मुर्शिद का? और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपके आने के बाद चीज़ें और बेहतर से बेहतर हो रही, क्योंकि माशाल्लाह आप क्वालिफाइड हैं, फिर आपका एक रुझान भी है एजुकेशन को इम्पार्ट करना, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और मज़ीद क्या लाने का आपका प्लान? सर मैंने मुर्शिद मार्च में 2023 में ज्वाइन किया था, तो जब मैं मुर्शिद आया तो फर्स्ट 2-3 डेज फ्यू जो स्टार्टिंग होती है वो बोरिंग होती है, लेकिन उसके बाद जब मैंने जाके क्लिनिकल साइड पे देखा तो मुझे
एक मोटिवेशनल मिल, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल है आपको फ्री हैंड दिया है कि जब बहुत बड़ी बात है, बहुत फ्री हैंड है। मैंने मल्टीपल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम किए लेकिन वो आपको फ्री हैंड नहीं देते कि आप ये काम जाके, बहुत खुशी होती है आपके अंदर का टैलेंट आप यूज करते हो, वो अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हम अपनी मर्जी से जाके स्टूडेंट को, इवन सर नर्सिस में अभी तक इस तरह नहीं होता था कि स्टूडेंट जाके ऑन द स्पॉट पेशेंट पे असिस्मेंट कर रहे थे, तो हमने ये स्टेप लिए स्टूडेंट को लेकर जाते हैं जो हमारा हेड टू टू असेसमेंट होता है वो ऑन द स्पॉट हम पेशेंट पे करवा रहे होते हैं, तो ये चीज होती है स्टूडेंट को लाइफ टाइम याद रहती है। तो ये हमने एनहांसमेंट की है मुर्शिद में। और बहुत ज्यादा अगर हम बात करें एज अ टीचिंग वे पे, तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो कोई एडमिन की तरफ से या कोई भी टीम की तरफ से हमें ये नहीं कहते कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो ओपन माइंडेड है सब, टीम वर्क है ना, टीम वर्क है, टीम वर्क की हम सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम सब बेसिक हमारा एम वही है पेशेंट की सेहत है ना। और वो इससे मैंने सर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहाँ पे इशू ये होता है कि नर्सिस और डॉक्टर की कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद में इस तरह कुछ नहीं है। डॉक्टर भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, अगर आप आरएनएस की बात करें वो भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, तो इससे आपकी इंप्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट होती है। हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। यस, अगर हम इस वक्त स्टैंडर्ड हॉस्पिटल की बात करें एकेयू में, वहाँ पे भी एक नर्स और डॉक्टर की कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, और ये सेम पॉलिसीज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल में कंटिन्यू हो रही है। और अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट भी बहुत एजुकेटेड है, मेरिट पे स्टूडेंट आते हैं, तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है नर्सिंग में, एज अगर मैं मुर्शिद हॉस्पिटल की बात करूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और माशाल्लाह मैं आप कोर्सेज भी कराते हैं, तो मैं देखता हूँ अमानुल्लाह का इंटरेस्ट एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा है जो मुझे लगता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए टीचिंग नेवर एंड्स। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है टीच करना, नर्सिंग में भी, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी, लेकिन जो आपके अंदर जो ये ख्वाहिश होती है कि पढ़ाते रहो और खुद भी पढ़ते रहो, मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाने में ज़्यादा खुद पढ़ा है, खुद पढ़ा है, क्योंकि हम खुद सीखते हैं। तो अमानुल्लाह आप ये बताइए कि आप किस तरह से कि पेशेंट्स आपके पास यहाँ पे आते हों, डिफिकल्ट पेशेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखो सर, हम स्टूडेंट को अगर क्रिटिकल केयर का पेशेंट आता है, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास चेस्ट पेन के आ गया, तो सबसे पहले आपने क्रिटिकल थिंकिंग कर ली, ये नहीं सोचना कि हो सकता है ये जीआई पेन हो, या आपने सबसे फौरन ईसीजी कर लिया, आपको डायग्नोस हो जाएगा फौरन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इधर दोबारा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि सर ने बहुत अच्छी बात कही, कोई भी पेशेंट स्टमक पेन के साथ या पीठ के दर्द के लिए भी आए तो फौरन चेस्ट पेन के साथ आता है तो हम फौरन ईसीजी करा लें, अगर ईसीजी से आप लोग करा के आप रिलैक्स जाओगे कि हार्ट का हार्ट इशू नहीं है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर हम अपने जीआई की तरफ जाते हैं और जीआई की तरफ प्रेफर करते हैं। तो इस तरह क्रिटिकल जीआई का इतना बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि वो शायद हार्ट अटैक हो रहा हो तो फिर वो इंसान बेचारा प्रॉब्लम में आ जाए, लेकिन कभी कभी पेन के साथ मोस्टली मैंने ईआर में ड्यूटी की, नाइट शिफ्ट में पेशेंट आ रहे होते हैं मुझे चेस्ट सीवियर पेन हो रहा है, उसी ऑन द स्पॉट हम ईसीजी करते हैं तो वो नॉर्मल आ जाती है। तो इस तरह क्रिटिकल सिचुएशन में हम स्टूडेंट को गाइड कर रहे होते हैं कि ईआर में इस तरह कोई सिनेरियो आता है तो ऑन स्पॉट आपने क्या करना है, ये वेट नहीं करना कि डॉक्टर काशिफ आएंगे तो मैं पहले ईसीजी करूंगा, अगर उस टाइम पे पेशेंट को एमआई हुआ तो इवन पेशेंट की डेथ हो जाएगी जब तक डॉक्टर काशिफ आएंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह सर चूंकि खुद एकेडमिक्स में एजुकेटेड है और ये बहुत अच्छी स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये डिसीजन ले लेते हैं, और इससे डॉक्टर भी बड़ा खुश होता है कि यार आपने मुझसे आने से पहले ही आपने जो बेसिक थी या आपको इंस्ट्रक्शन देने से पहले आपने किया, तो इससे बड़ी हम लोगों को, हमें सेव करना है पेशेंट को, जबरदस्त सर हमें पेशेंट को सेव करना है, बेशक बेशक बहुत अच्छी बात है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, मैं आपको देखता हूँ माशाल्लाह, मैं आपको जब देखा है तो आप डेडिकेटेड होते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते और बड़ी फोकस्ड है माशाल्लाह, विच आई लव, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, प्रोफेशनल तो आप ही हैं, लेकिन अगर कभी फ्री टाइम मिल जाए तो क्या हॉबीज है, मशाग़िल क्या है? हॉबीज मुझे मोस्टली बास्केटबॉल बहुत ज्यादा, जबरदस्त जबरदस्त बास्केटबॉल, वेरी गुड, आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, वेरी नाइस। और सेकंड जो मैं कम्युनिटी में रहता हूँ, अगर फ्री टाइम में कोई कॉल करे कि आज आईवी फोलिस कैथेटर लगाना है किसी को, तो मैं फ्रीली चला जाता हूँ। भाई ये इसमें तो तालियां होनी चाहिए, ये बहुत जबरदस्त, क्योंकि मेरे कम्युनिटी में मोस्टली पुअर लोग रहते हैं, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाता हूँ वहाँ पे, अगर फोलिस कैथेटर लगाना हो, आईवी लगाना हो, मेडिकेशन करनी हो, क्या बात है, तो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ अपनी कम्युनिटी। और आप यकीन जाने, आपको भी पता है, मुझे पता है, व्यूअर्स को पता है कि सदका जारी है, और यही हमें आखिरत तक
एक यू नो खुशनूदी देगा और हमारी इज्जत। एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ सर, हमारे प्रोफेशन में एज अ डॉक्टर एज अ नर्स हमारे दो अकाउंट खुलते हैं जो मैं स्टूडेंट से भी शेयर कर रहा हूँ। एक अकाउंट अल्लाह के साथ होता है और एक हमारे पैसों का अकाउंट खुल जाता है। अगर मैं कोई रॉन्ग प्रैक्टिस करूंगा तो ऊपर भी मुझे विजुअलाइज चीजें हो रही है, अगर मैं रॉन्ग प्रैक्टिस करूंगा तो मुझसे क्वेश्चन होगा उसको भी और रिएक्शन भी होगा और पैसे में बरकत नहीं रहती, पैसों में बरकत भी नहीं रहती और रिएक्शन भी होगा सर उसमें वो कैसी बीमारी में इन चीजों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको आपने हाईलाइट करके चलना है। बहुत अच्छी बात आपने की। तो बास्केटबॉल तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है और बड़ी मेहनत वाला गेम है, तो आपका टाइम कब मिलता है, कब करते हैं और कहाँ खेलते हैं आप? मैं वीकेंड में अगर टाइम मिलता है तो डाउ यूनिवर्सिटी के जिम जाता हूँ, क्योंकि बाकी एरियाज पे बास्केटबॉल क्लब और ये खास जगह नहीं है। तो बास्केटबॉल प्लेयर बड़े पॉपुलर हैं दुनिया में, तो बास्केटबॉल प्लेयर्स तो बहुत ही पॉपुलर हैं, तो आपका फेवरेट कौन है जिसको फॉलो करते हैं? सर अभी तक काफी टाइम हुआ तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं उनके हवाले से, तो मैं अपना खुद खेलता हूं और मुझे आई लव बास्केटबॉल। जबरदस्त। वो कहते हैं अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। हम डॉक्टर्स हम नर्सेस को एक टाइम जरूर निकालना चाहिए अपनी जिंदगी में जिसमें आप गेम्स खेलें तो बेस्ट है, क्योंकि मान लो को भी पता है कि आप जब गेम्स खेलते हैं तो आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाती है, इसलिए आप जिस तरह मैं आपकी फ्रेशनेस देख रहा हूँ फ्रेश लगते हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आप माशाल्लाह फ्री टाइम में लो अच्छा लोगों की खिदमत करना तो ज़बरदस्त है ही, वो आपको वैसे ही आपको बहुत खुशी देता हूँ। मैं आपको सीधे हमेशा कहता हूँ कि ज़रूर अपने घर के किसी फर्द को ज़रूर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डालें, हाँ वो नर्स हो डॉक्टर हो फिजियोथेरेपिस्ट हो फार्मासिस्ट हो कोई भी ऐसी फील्ड से जो कि मेडिसिन रिलेटेड है। आप यकीन जाने पूरा घर इससे मुस्तफीद होता है, पूरा घर खुशी महसूस होता है, बहुत ज़्यादा खुशी। आपने खुद देखा है माशाल्लाह, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप क्योंकि फोलीज कैथेटर ये सब करना इतना आसान नहीं होता और क्या कहते हैं इसमें काफ़ी स्किल ज़रूरत होती है। अक्सर लोग कहते हैं हॉस्पिटल चले जाओ, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सब आपकी बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। और आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि नर्सिंग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंप्रूव कर रहा है और अगेन वाली बात है नर्सेज और डॉक्टर्स हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हमें साथ साथ चलना है और हमें दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और अगर थोड़ा सा अनबन हो जाए तो उसको भूल कर पीछे इग्नोर करके पेशेंट की सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि देखिए हमारे पर्सनल कोई प्रॉब्लम अगर है तो हमें उसको पीछे रखना चाहिए। बेशक। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप सर मैसेज ये है कि जैसे आपको भी पता है मुझे भी पता है इस वक्त नर्सिंग जो है ना वो एक प्रोफेशन है, पर इसको लोग समझते हैं कि ये ऑक्यूपेशन है, ये तो फीमेल का ऑक्यूपेशन है, मैं क्यों करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक डिग्री प्रोग्राम है और ये एक प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है ना अनएम्प्लॉयमेंट 0% है नर्सिस में इस वक्त, वाहिद फील्ड है जिसमें आपको कहीं से कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये और इसमें आप ह्यूमिनिटी का भी ख्याल कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, हर एंगल से आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि जितने भी आपके बच्चे हो कोशिश करें कि उनको नर्सेस की तरफ लेकर आए। थैंक यू, थैंक यू सो मच अमानुल्लाह। और अमानुल्लाह की बात बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नर्सिंग का प्रोफेशन ऐसा होता है जो आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, और ऑफकोर्स हमारे जो मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर ईसा जाफर वो हमेशा अपना बड़ा जिक्र करते हैं अपने लंदन के एक्सपीरियंस का, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो बताते हैं बड़े दायरे वो बहुत ही दुनिया घूमे हुए इंसान है। वो कहते हैं लंदन में जब पेशेंट ठीक होता था तो वो मिठाइयाँ देते थे नर्सेस को और डॉक्टर्स को नहीं देते थे, तो पूछा गया क्यों भाई, तो भाई डॉक्टर्स तो आते हैं आधा घंटा एक घंटा चेक करके चला गया, बाकी 8 या 12 घंटे तो नर्सेस हमारे साथ होती हैं, एक कॉल पे आ जाते हैं तो वो आते हैं। तो मुझे पहले तो हंसी भी आई थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन बात तो सही है उनकी कि डॉक्टर्स तो जाहिर है ऑफकोर्स वो तो हैं लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन नर्सेज वाकई पूरे वक्त साथ होते हैं, पूरे 8-8 घंटे अब तो 12-12 घंटे की ड्यूटी हो गई नर्सेस की, नाइट ड्यूटीज है तो पूरे वक्त साथ होते हैं। तो मैंने कहा हाँ सही है, उनको मिठाई पे नर्सेस को ही देनी चाहिए, तो दैट्स लवली। सर एक इस वक्त करंटली मेरे एक दोस्त है यूके में ना, तो उनसे मेरी बात होती है तो वो कहते हैं मोस्टली वहाँ के जो लोग हैं वो ट्रस्ट करते हैं ओनली ऑन नर्स, बिल्कुल मुझे केयर भी चाहिए, इवन वहाँ पे
जो सर्जरी कर रहे हैं वो आजकल नर्सिस का एडवांस प्रैक्टिस नर्सिस है और सर्जरी कर रहे हैं वो वहाँ पे और वो मोस्टली जाते हैं नर्सिस के पास एज कम्पेयर टू डॉक्टर। मैं आपको ये बता दूँगा कि जब नर्स से आपकी रेपो हो जाए तो आपको करना होता है, लेकिन अगेन ये बात बता दूँ एथिकली नर्सिस जो भी करना है उनको अंडर द कवर ऑफ डॉक्टर्स करना है, क्योंकि डॉक्टर्स की एक्चुअली जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि बेसिकली डॉक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन थिंग, नर्सिस आर काइंड ऑफ एलाय जो कि आपके साथ साथ काम कर रहे होते हैं। और नर्सिस की अच्छी बात भी कहूँ कि बचत भी है कि वो अक्सर पकड़े नहीं जाते, कोई मसला होगा तो डॉक्टर पे इल्ज़ाम आता है, तो ऑफ कोर्स हम लोगों को बिल्कुल ही मिल के चलना है और कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी तरह से भी वो। और आपने बात बिल्कुल सही, जैसे मैंने ही बताया था कि आप कोई नर्स के जैसे मैं अमानुल्लाह के अंडर ट्रीटमेंट हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम जो हॉस्पिटल में हूँ मुझे अमानुल्लाह से ही मिलना है, या अमानुल्लाह कब होते हैं किस टाइम पर होते हैं, डॉक्टर जो भी हो, लेकिन वो अगर नर्स से आपके एक रैपो बन जाती है, एक जैसे हमें नर्स रिलेशनशिप विद द पेशेंट का है तो वो करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ जरूर जरूर, प्लीज बोले। मेरी ड्यूटी होती थी डाओ हॉस्पिटल में, एज ए नर्स से बात आई तो याद आया कि सेम इंजेक्शन होता था टोराडोल, तो वो बाकी नर्सेज भी लगा रहे होते थे और नाइट शिफ्ट में जब मैं ड्यूटी पे आता था तो मैं कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव थी तो कम्युनिकेशन प्रॉपर करते थे, जब वो टोराडोल मैं लगाता था तो वो पेशेंट कहता था आप कौन सी इंजेक्शन लगा लेते हो जो मैं ठीक हो जाता हूँ, बाकी जो लगा रहे होते थे तो वो ठीक ही नहीं होते। तो ये बहुत कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत। और मतलब मैं कहता हूँ आपका पेशेंट जो होता है ना वो आपको इवैल्यूएट कर रहा होता है कि यार वो देखता है कि यार पांच नर्सेज हैं उनमें से एक नर्स जो है वो दिल से काम कर रहा है, मुस्कुराता है और वो करता है तो उसको शिफा भी होती है, ये सारा खेल दिमाग का। यस सर, ये मैं आई एग्री विथ यू और ये बात बहुत अच्छी है कि अमानुल्लाह की पर्सनैलिटी ही इतनी स्वीट और प्रोफेशनल और वेरी वेरी काइंड, क्योंकि हमें काइंड होना पड़ता है ना, हम अगर काइंड ना हो, अगर कोई हो, जैसे बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं हमें डॉक्टर बनना है, हमें नर्स बनना है, मैं कहता हूं सर मैं तो अपने अंदर से इवैल्यूएट करो कि क्या तुम बन सकते हो, क्या ख्याल है ना, मुझे तो बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का या मेडिकल प्रोफेशन बनने का, आपको बचपन से शौक था मेडिकल प्रोफेशन बनने का, तो हमने अंदर अपने आपको झांका, हमने कहा हाँ हम कर सकते हैं ये वाला काम, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, खासतौर पर नर्सेज को मैं देखता हूँ, इनकी ड्यूटी आवर्स बहुत लंबी होती हैं, नाइट ड्यूटीज़ होती हैं और पूरे वक्त एक एक बेल पे लोग भाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हाई लेवल से भी लेकर लो लेवल तक भी, क्योंकि जाहिर है प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें आप मना नहीं कर सकते पेशेंट को, डॉक्टर तो थोड़ा सा चलो अपना नर्सेज पे काम डाल के एज अ सपोर्ट वो कर सकते हैं, लेकिन वाकई नर्सेज को खिराज तहसीन में पेश करूँगा। और माशाल्लाह मैं इनसे हमेशा कहूँगा कि प्लीज़ हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही काम कर रहे हैं, लेवल्स अलग हैं लेकिन मोटिव एक ही। तो और कोई और अच्छा कोई अपना किस्सा बताइए, कि माशाल्लाह आपके पास बड़े प्यारे स्टोरीज हैं, बिकॉज ये बात तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अमानुल्लाह जिसको इंजेक्शन लगाएगा उसको जल्दी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका एक जो एक परसोना होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि वही सेम टोराडोल इंजेक्शन होता था, वो सेम स्टाफ होते थे, लेकिन जब मैं चाहता था वो पेशेंट कहता आप कौन सी इंजेक्शन लगा रहे हो जो मुझे पेन कम हो जाए। देखिए वाली बात है ना कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत लविंग केयरिंग और स्वीट होनी चाहिए, पर्सनल प्रॉब्लम मेरे भी होंगे आपके भी होंगे, हमें वो साइड पे रखना चाहिए, वो साइड पे रखना, क्योंकि हम पेशेंट को देखते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत तकलीफ में होता है। और मैं आपको ऐसी बताऊँ कोई भी हॉस्पिटल नहीं आना चाहता, चाहे जितना खूबसूरत हॉस्पिटल हो, ठीक है ना, मजबूरी में आते हैं बेचारे, तो हमें प्यार से बात करने में हमारा क्या जा रहा है। यस सर, आपकी हमें जो टीचर ने सिखाया कि आप जितने भी कॉम्पिटेटिव हो जाओ, आपके पास जितने भी नॉलेज है लेकिन आपके अंदर एथिक्स नहीं है तो आप 0%। बिल्कुल सही है, तो मेन चीज़ एथिक्स। बिल्कुल, और हमारा इस्लाम भी हमें सिखाता है, अखलाक सिखाता है, और यही चीज़ हर जगह वो है और ये हमें आना चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूँ थोड़ी सी हमें हिकमत से भी काम लेना पड़ता है, क्योंकि मान लो आपके साथ भी मेरे साथ भी होता है, कभी कभी पेशेंट्स तो अच्छे ही होते हैं, अटेंडेंस बड़े तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, और आजकल जब से गूगल है सारा विकिपीडिया तो पे वो गूगल करके आते हैं सर सारी चीजें, तो आपको बता रहे होते हैं कि एंगल इस एंगल से लगाइए, हाँ। वो जिससे बड़ी इरिटेशन भी होती है, सीधी बात है बर्दाश्त करना। इससे भी मुझे एक स्टोरी याद आई, प्लीज बताएं। मेरी नाइट ड्यूटी थी मेडिसिन और जीरो टॉलरेंस पे भी हम उस पे एंगल को कवर कर लेते हैं कि मेरी ड्यूटी थी सेमी प्राइवेट वार्ड में, मोस्टली सेमी प्राइवेट में कैसे पेशेंट आते हैं सर आपको भी एक्सपीरियंस है, तो नाइट ड्यूटी थी, मेरे पास एक एजेड फीमेल आरएन थी, तो वो बार बार पेशेंट के लो प्लेटलेट्स थे, बार बार फोलीस लगाना था उनको और यूरिन करवाना होता था, तो तकरीबन रात को 3 बजे के टाइम वो पेशेंट के पास गई और वहाँ पे थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गई, वहाँ से ब्लीडिंग आना चुकी लो प्लेटलेट्स थे,
तो वो अटेंडेंट इतना एब्यूज और इतना एब्यूज किया, इवन वो यहाँ तक आए कि एसपीएमएल को मैं मारना शुरू कर दूँ। तो हमने फिर वहाँ पे आवाज़ अब इन्हांस की कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं। सही बात है, सही बात है। तो ये सिनेरियोज भी होते हैं। तो उसके बाद जो है ना हर जगह हमने वहाँ पे जीरो टॉलरेंस का, देखिए मुझे पता है मुझे यकीन है आपने इतने प्यार से बात की होगी कि उससे गुस्सा ठंडा उसके बाद बिल्कुल हो। लेकिन सर उन जो रूम था सेमी प्राइवेट वहाँ पे फीमेल को अब्यूज करना अटेंडेंट, तो ये अनप्रोफेशनल वे है। किसी को हक नहीं है, किसी को भी ऐसे बोलने का हक नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मैंने देखा है कि सबसे पहले तो हमें जो मुझे मैं तो अक्सर यूके करता हूँ पेशेंट्स को, आप भी करते होंगे, तो सबसे खतरनाक अटेंडेंट होता है उससे दोस्ती कर ले, है ना, दोस्ती करना सर ने भी यही करना सही है ना, ताकि वो आपके वो आ जाए सर में आ जाए उसे मोहब्बत दे सके। क्योंकि देखिए दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, टेंशन में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, सीधी बात है, क्योंकि मदर है, फादर है, या भाई है, वाइफ है, मियाँ है, जो भी बीमार होता है पूरा खानदान परेशान हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा इसको समझना चाहिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो हमें इरिटेट कर रहे होते हैं वो अटेंडेंट ही कर रहे होते हैं, और कभी कभी जो एजुकेटेड जिनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, नॉलेज होती है, गूगल नॉलेज होती है, फिर तो वो तंग कर रहे होते हैं। सर हमारी एक ड्यूटी थी नाइट शिफ्ट में, एक अटेंडेंट था, तो वो वहाँ पे मोबाइल लगा के अच्छा ओमेप्राजोल क्यों देते हैं, तो वो सारी चीजें पूछ रहे होते। तो इसलिए आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप वहाँ पे सेव कर सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए अमान से तो मुझे लगता है मैं और बुलाऊंगा आपसे, आपसे बहुत बातों का सिलसिला रहेगा, हम इनसे कुछ और भी इनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, इनसे सीखेंगे भी, और एकेडेमिक्स में किस तरह से और इंप्रूवमेंट ला रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अमान, थैंक यू सर। मेरा तो चाह रहा है कि शो खत्म ही ना हो, लेकिन हमारे टाइम पे रिस्ट्रिक्शन है। इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक और सेलिब्रिटी, एक और मेडिकल प्रोफेशनल, और एक और ऐसा इंसान, ऐसा प्रोफेशनल पर्सन जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल के साथ एफिलिएटेड है। और देखिए माशाल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल 300 बेडेड हॉस्पिटल है, किस किस तरीके से किस किस लेवल पे लोगों की हेल्प कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी इसका पार्ट हूँ। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।